एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा। अगर आपने कभी प्लेन में बैठे होंगे तो प्लेन में दो टाइम सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। सबसे पहला फ्यूल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा तब होता है जब प्लेन उड़ता है, और दूसरा जब प्लेन लैंड होता है। उसी प्रकार से आपकी पढ़ाई है, मतलब क्या कि जब अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी तब आपको बहुत एनर्जी लगा होगा, बहुत एफर्ट लगा होगा, और दूसरा जब आप पढ़ाई ख़त्म कर रहे हो, मतलब कि अभी का टाइम, राइट, अभी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि प्लेन स्टार्टिंग में अगर फ्यूल नहीं लगाता है और अच्छे से नहीं उड़ता है तो ऑफकोर्स उसकी पढ़ाई कभी स्टार्ट नहीं होती। उसी प्रकार से अगर आपने एंडिंग के टाइम अपनी एनर्जी ज़्यादा नहीं लगाई, एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाए, मान लो प्लेन अगर एनर्जी नहीं लगा रहा है, फ्यूल नहीं लगा रहा है, सही से नहीं कर रहा है, तो क्रैश हो जाएगा, उसके पूरे एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी शुरू में और आखिरी में पूरे एफर्ट्स लगाएं। अब आखिरी का समय है तो आपको एफर्ट्स पूरे लगाने, अभी रुकना नहीं है, रुकोगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, राइट। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये गोल सामने रखना है कि भाई इस बार इस अटैम्प्ट में मैं पास हो रहा हूँ।